पिछले ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं शूट कर लूं, लेकिन मेरे गली के बाहर ना फ्यू डॉग्स आर आउटसाइड। मैंने कुत्ते नहीं बोला, थोड़ा बुरा लगेगा जिनको प्यार है पेट से। और टाइम दिखाता हूँ लोगों, जरा मैं आपको, आप भी टाइम देखो जरा, 2:45 हो गए हैं रात के, तो जरा चुप कर जाए। मैंने कोशिश कर ली चुप कराने की, बट नहीं कर रहे हैं, तो चुप करेंगे फिर मैं आपको वापस टाइम दिखाऊंगी कब जाके चुप करें, तब मैं शूट करूंगा। देखते हैं। सो फाइनली 20 मिनट के इंतजार के बाद वो वक्त आ गया कि ये चुप हो गए हैं। कोशिश तो है इनकी चुप हो गए हैं, शायद बीच में बोलेंगे तो आप थोड़ा इग्नोर करना। खैर कुछ नहीं कर सकते यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता उनको, पर वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट आप थोड़ा इग्नोर करना अगर आपको बीच में आवाज़ आई उनकी। तो एनीवेज, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले ये बता देता हूँ कि आज की वीडियो में होने क्या वाला है, वो बहुत ज़रूरी है। कोर तो चलो मैं सिखाई दूंगा आपको, स्टेमिंग सिखा दूंगा, ये तो हो ही जाएगा, ये तो और भी चैनल्स पे आप जाके वीडियो देख लोगे, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस मिल ही जाएंगी जो कवर जिन्होंने बनाया या जो लोग इसको सिखा रहे हैं कैसे आप प्ले कर सकते हो। लेकिन आपको मैं ये सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो मेरा मोटिव रहेगा वो रहेगा टाइम सिग्नेचर क्या होता है, ये कैसे समझते हो आप, या जब आप एक आपको टाइम सिग्नेचर समझ में आ चुका है तो उसके बाद आप उसके साथ स्ट्रमिंग क्या प्ले करोगे। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टे मारो हर चीज़ के, डाउन डाउन अप अप डाउन, आई कैन नॉट रिमेंबर दैट मैन, ये हम नहीं रट सकते, मैं नहीं रट सकता हूँ। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप भी ये ऐसे रटो मत बैठ के, डाउन अप अप डाउन अप डाउन, ऐसा मत करो, आप समझो बीट समझो, उसके हिसाब से प्ले करेंगे। गिटार उठा लेता हूँ उससे पहले मैं, आप बोलोगे बातें करते रहोगे क्या, आगे भी सिखाओगे, सिखा रहा हूँ ठीक है, थोड़ा सब्र करो। लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, शौक में मैंने उसका गाना यूज़ कर लिया था आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मुझे लगा अच्छा है कॉपीराइट आ गया उसके ऊपर, तो मैं गाना यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। तो सबसे पहले तो गाने की बात, उफ क्या गाना बनाया यार, मतलब क्या प्यारा कंपोज किया है, क्या अमेजिंग म्यूजिक बनाया इसका। अगर आपने नहीं सुना तो सुन लेना, आपको बड़ा ही मतलब मज़ा आएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है, माय रिकमेंडेशन टू यू। सो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो जो गाना है वो है आपका डी माइनर स्केल के अंदर, लाइक दिस इज डी माइनर, दिस इज डी माइनर। अब डी माइनर के कोड स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेसिकली, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको मैं। डी माइनर के 3 कोड आप यूज करते हो, सिंपल सिंपल से, डी माइनर, ए शार्प मेजर और सी मेजर, ये कोड ही हम यूज करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। तो जो इस गाने का स्केल है ना वो है आपका डी माइनर, ऐसे लगा सकते हो या फिर आप यहां भी लगा सकते हो, ये भी आपका डी माइनर है। अगर बिल्कुल नए लोग देख रहे हैं तो ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, बट एनीवेज ये भी आप लगा सकते हो। इसके बाद डी माइनर में कौन कौन से कोड आते हैं, डी माइनर कोड प्रोग्रेशन 2 और लगा दो, ए शार्प ऐसे एंड सी मेजर। तो जो गाने की ट्यून है वो कुछ ऐसी है, पहले आपको प्ले करके दिखाता हूं मैं। दारा, दारा, तो मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया डी माइनर सी ए शार्प एंड वापस से डी माइनर। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे गाने में आपको इन 4 कोड की साइकिल प्ले करनी है, रिपीटिशन, मतलब डी माइनर सी ए शार्प डी माइनर, डी माइनर सी ए शार्प डी माइनर, यही रिपीट होगा बार 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 बार। इसके अलावा आपको ऊपर नीचे कोई भी कोड नहीं करने, पूरा गाना ऐसे ही प्ले होना है सिंपल लैंग्वेज में। अब आ जाते हैं इसके टाइम सिग्नेचर में, टाइम सिग्नेचर होता क्या है, पहले तो टाइम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। देखो जब भी आप गाना सुनते हो ना, सुन मेरे हम सफर, तो क्या चल रहा है, 1 2 3 4 सुन मेरे हम सफर, तो ये था 4x4, मतलब 4 बीट के बाद रिपीटेशन हो रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। और दूसरा क्या हो सकता है, भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी 1 2 3 1 2 3 आंखों में कैसी नमी है 1 2 3। बट ये इन सब में नहीं आता गाना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि क्लासिकल गाना है, इसमें रिपीटिशन का हो रही है। तो गाना है तारो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस गाने को गिटार पे ना प्ले करके थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते, कैसे, तारो को तो रे डा डा डा, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चल रहा है 7 बीट में,
7x8 कर लो, x16 कर लो, वो मैटर नहीं करता नीचे वाला पार्ट, बट ये 7 बीट चल रहा है, मतलब जो रिपीटिशन हो रही है ना वो 7 के बाद हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तारों को तोड़ी ना छेड़ूंगी अब तो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. अगर थोड़ा और स्लो कर देंगे इसको, अगर आप चाहो तो 0.75 की स्पीड पे चेक कर लेना, मतलब कि जो इस गाने की जो टाइम सिग्नेचर है ना, दैट इज 7 बीट, जो घूम रहा है सर्कल वो घूम रहा है 7 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो अब आता है इसका स्ट्रमिंग पार्ट. मैंने अभी तक इस चैनल पे अपने पे आज तक कभी भी 7 बीट का कोई भी गाना नहीं उठाया है, तो आज ये पहली बार हो रहा है और आपको समझ भी आ गया होगा आई बिलीव यहाँ तक. बट स्ट्रमिंग में क्या करना है इसका, अब अगर मैं आपको रैंडमली थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊँ, सो चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. तो कहाँ पे प्ले कर रहा हूँ मैं, डाउन स्ट्रोक चल रहा है, सिर्फ डाउन स्ट्रोक, और मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 1, 4 और 6 पे आपको डाउन स्ट्रोक करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है. समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताना, कमेंट नहीं करते यार, कमेंट तो कर दो, बता दो जरा समझ में आया नहीं आया, मुझे भी पता लगनी चाहिए वो बात, कि जो मैं बात कर रहा हूँ विजुलाइज करके कि सामने लोग हैं, अभी तो कैमरे में देख रहा हूँ क्योंकि मैं, लोग तो अब सामने आए हैं, सो लेट मी नो. हाँ, तो ये चल रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 और 6 पे आपको डाउन स्ट्रोक मारना है. स्टार्टिंग में बहुत स्लो करेंगे, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये चीज़, एकदम से नहीं आएगा, तो स्लो इट डाउन. जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए गा के बोल के 1 2 3 नंबर्स, तब आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दो. सिंपल है ना यहाँ तक. तो अब बात करते हैं कि आपको प्ले कैसे करना है, इम्पैक्ट डालने के लिए कैसे प्ले करते हैं. आपको समझ में आ गया कि ये डी माइनर है जी, ये आपका ए है, ये आपका सी है, मतलब ए शार्प और ये आपका सी है. पर क्योंकि गाना क्या चल रहा है, दादा 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 दादा, अब क्या हो रहा है, ऊपर से आप देख रहे हो नीचे उतर रहा है गाना, मतलब ऊपर से एक एक स्टेप आप नीचे आ रहे हो. ऐसे समझते हैं चीज़ें कि कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लगाना है, क्यों लगाना है, ऐसे समझते हैं चीज़ें. तो क्या चल रहा है, ऊपर से आप थोड़ा 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 नीचे आ रहे हो. तो अगर आप ऐसे ही कॉर्ड भी लगा दो कि ऊपर से आप नीचे नीचे, मतलब ऊपर क्या है, इधर है फ्रेटबोर्ड, ये ऊपर है और इधर आप नीचे उतर रहे हो स्लोली यहाँ पे, तो कॉर्ड भी आप यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे नीचे करके जाओ तो बहुत अच्छा साउंड करेगा. मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ क्या है. तो जो पहला पैटर्न है वो ये है, तारों को तोड़े ना छेड़ूंगी अब तो. अब दूसरा पैटर्न क्या है, आप यहीं से शुरू करोगे, ये भी डी माइनर है जो मैंने लगाया एंड में. अब दूसरा पैटर्न क्या है, तारों को तोड़े ना छेड़ूंगी अब तो. अब जिनको थोड़ा सा ज़्यादा पता है म्यूज़िक के बारे में, या पहले से सीखा हुआ है, या थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड से पता है, या हल्का सा सेंस है अबाउट म्यूज़िक, तो उनको थोड़ा समझ में आ गया होगा. बट जो शायद बिगनर है उनको शायद समझ में ना आया हो डिफरेंस. बट कहने का मतलब क्या है कि जब गाना उतर रहा है ना, उस हिसाब से आप कॉर्ड लगा रहे हो, तो आप भी उतर के कॉर्ड लगाओ. सो अब ये जो मैं लगा, ये भी डी माइनर है. अब जिनको नहीं पता है डी माइनर कैसे है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका ए माइनर है जी, आपको पता होगा. अगर आप आगे जाओगे साइकिल के हिसाब से, दिस ए शार्प माइनर, लेकिन ये वाला फ्रेट अब छोड़ दो, ये लगाना पड़ेगा आपको. बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर एंड डी माइनर. तो ऐसे ये डी माइनर है, ठीक है जी. अब मैंने यहाँ पे सी भी लगाया था. सी कैसे लगाया मैंने, ये आपका आपको पता है ए मेजर, ए शार्प मेजर, बी मेजर एंड सी मेजर, ऐसे मैंने यहाँ पे सी लगाया. ए शार्प तो पता ही आपको, ये ए है, ये ए शार्प मेजर है, ए ए के बाद एक स्टेप आगे ए शार्प मेजर. तारों को तोड़े ना छेड़ूंगी रारारा तारारा
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
जाएगा। सो मेरी ऐसी उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है, इसके साथ टाइम सिग्नेचर है, जो रिदम मैंने आपको सिखाई, वो आपको समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे कॉमेंट करके बता दो और सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है। मतलब चैनल इतना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, इतना तो बनता है ना, कर लो सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नए टॉपिक या एक नए गाने के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।